हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो आज इस चैप्टर में हम लोग मैथ्स क्लास सीबीएसई क्लास 9 पॉलीनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस। ओके, इसके पहले भी कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए एक्सरसाइज 2.5 पे। तो इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, वेरीफाई। नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + y³ = x + y ब्रैकेट x² - x² + y² हमें वेरीफाई करना है। ये LHS और ये RHS इक्वल है, ये वेरीफाई करना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी। a + b होल क्यूब a³ + b³ + 3ab a + b। ओके, ये वीडियो पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी पड़ी होगी, मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। बट इधर पे क्या करना है, बट इधर पे ए की ना यूज करके एक्स वाई यूज करेंगे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी एक्स वाई के फॉर्म में है, तो ये आइडेंटिटी से ही हम लोग को ये वेरीफाई करना है। इसलिए मैंने ए और बी ना यूज करके एक्स और वाई आइडेंटिटी यूज करता हूं। तो आइडेंटिटी लिखता हूं, x + y होल क्यूब x³ + y³ + 3xy x + y। देखो सेम आइडेंटिटी, बस a और b के प्लेस पर x और y लिया है। क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन, ये जो वेरीफाई करना है, इसके ही हेल्प से करना है। ओके, इस वजह से लिया। अब देखो हम लोगों को दिख रहा है एक साइड पर x³ + y³ है, तो इधर पे दिख रहा है x³ + y³, तो उसे ये x³ + y³ अकेले, तो इसे भी अकेला करते, ये जो टर्म है इक्वल्स के इस पर शिफ्ट कर देते। जैसे इधर सिर्फ x³ + y³ है, वैसे इधर पे सिर्फ x³ + y³ रखते हैं, बाकी टर्म को इक्वल टू के इस तरफ भेज देते। तो क्या हो जाएगा? अब देखो ये टर्म प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। ओके, इस तरफ क्या बचता है? x³ + y³। ठीक है, अब इधर से कॉमन निकल रहा है कुछ। देखो इधर देखो दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दोनों के से माइनस, एक टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x + y और इधर भी x + y ब्रैकेट, इधर x + y³ है, इधर x + y, तो x + y ब्रैकेट में कॉमन निकल रहा है। इधर x + y³ था, ब्रैकेट क्यूब था, तो एक x + y ब्रैकेट निकल गया, तो कितने x + y ब्रैकेट बचेंगे? स्क्वायर x + y स्क्वायर माइनस इधर से 3xy बचेगा। ओके, क्योंकि ब्रैकेट बाहर आ गया, इधर क्या बचता है? x³ + y³। ओके, नेक्स्ट नाउ x + y, इधर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a² + 2ab + b² ठीक है, तो x + y होल स्क्वायर क्या होगा? x² + y² + 2xy एंड -3xy = x³ + y³। ओके, इतना समझ में? नाउ इधर पे स्पेस कम पड़ रही है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। नाउ आगे x + y, नाउ इस ब्रैकेट में कोई लाइट टर्म दिख रहा है? x² का लाइट टर्म नहीं, तो x² एज इट इज, y² भी एज इट इज, बट इधर 2xy - 3xy लाइक टर्म है दोनों xy। अब 2 - 3 कितना होता है? -1। अब दोनों का सरनेम xy है तो इसका सरनेम भी क्या होगा? xy होगा। अब -1 तो हम लोग लिखते नहीं, इसलिए इधर पे 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या आएगा आंसर? -xy = x³ + y³। ओके, देखो यही प्रूफ करा था, x³ + y³ = x + y ब्रैकेट x² - x² + y² सिमिलरली प्रूफ हो गया। तो इधर दैटफॉर करके लिख दो मैं x³ + y³ = x + y x² - x² + y²। ओके, प्रूफ हो गया, लिख लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन x³ - y³ = x - y ब्रैकेट x² + x² + y² जैसे फर्स्ट में आइडेंटिटी यूज की हमने, वैसे सेकंड में भी आइडेंटिटी है x - y होल क्यूब की। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? x + y होल क्यूब की, वैसे x - y होल क्यूब सेकंड आइडेंटिटी है। ये क्या है? x² - y² - 3xy
टू एक्स माइनस बी। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करके हमें ये वेरीफाई करना है। तो सिमिलरली उसके तरह ही सारा स्टेप है, जैसे इधर पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इधर क्यू आएगा, जिधर इधर एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब है, सिमिलरली इधर भी एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, इसे इधर रखो क्योंकि इधर पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब अकेला है, वैसे इधर भी एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब को अकेले रखो, ये टर्म को इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करते हैं, वो टर्म इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस में है, क्या होगा प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब। समझ में, जैसे लास्ट वाले सब में भी अब हमने कॉमन निकाला था इधर, वैसे इसमें भी कॉमन निकालना है, इधर भी दो टर्म है, एक ये टर्म फिर बीच में प्लस एंड ये सेकंड टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट, इधर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब है तो एक एक्स माइनस वाई ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब था तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बाहर आ गया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर क्यूब था, एक ब्रैकेट बाहर आ गया तो ब्रैकेट दो ब्रैकेट बचेंगे इसलिए स्क्वायर, प्लस इधर से एक्स माइनस वाई बाहर आया क्या बचा थ्री एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, नाउ अब इधर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर इधर फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर पे x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, नाउ लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लाइक टर्म माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई माइनस प्लस माइनस होगा, थ्री माइनस टू कितना होता है वन, दोनों का सरनेम एक्स वाई तो एक्स वाई, मैंने कहा हम वन नहीं लिखते इसलिए वन नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखो हो गया वेरीफाई हो गया, तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ वन, टेंथ का दो, टेंथ में दो क्वेश्चन है, वन है सेकंड, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इधर पे क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। नाउ क्वेश्चन क्या है, 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो आइडेंटिटीज यूज होंगी इधर पे, ये इसके लिए और इसके लिए। तो पहली आइडेंटिटी इसके लिए a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होता है a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब कंपेयर करो, अब इसे मैं इसे 27 वाई क्यूब को मैं 3 वाई होल क्यूब लिख सकता हूँ, 27 वाई क्यूब को 3 वाई होल क्यूब कैसे लिखा मैंने, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब एंड वाई क्यूब है, दोनों के ऊपर क्यूब है इसलिए मैंने क्या किया कॉमन क्यूब लिया। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो और प्लस 125 z क्यूब को मैं 5 z होल क्यूब लिख सकता हूं, कैसे, 125 को 5 क्यूब एंड z क्यूब दोनों के ऊपर क्यूब है तो कॉमन क्यूब लिया मैंने। ओके, नाउ अब देखो इस फॉर्म में हो गया हमारा क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वैसे ही 3 वाई क्यूब प्लस 5 जेड क्यूब, कंपेयर करो ए के प्लेस पर क्या है 3 वाई, तो इधर ए प्लस बी था तो 3 वाई एंड बी के प्लेस पर क्या है 5 जेड तो प्लस बी था, क्या होगा प्लस 5 जेड, ए स्क्वायर तो क्या होगा 3 वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 5 जेड होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इज 3 वाई इंटू 5 जेड। ओके, समझ में आया, पहले हमने क्या किया क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दिख रहा है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नाउ 3 वाई प्लस 5 जेड एज इट इज रहेगा
और इधर होगा 3y होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड y स्क्वायर प्लस 5z होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर माइनस 3 5 इज ऑफ 15 y टू z y z। ओके समझ में आया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक है, ए क्यूब जैसे इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके ये आइडेंटिटी होगी हमारी। नाउ अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो स्टेप इधर भी फॉलो किया वही स्टेप इधर भी करना है। हमने इधर पे क्या किया था, इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट किया, नेक्स्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही अब इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूं, 64m क्यूब को मैं 4m क्यूब लिख सकता हूं ना, 4m होल क्यूब, क्योंकि 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब एंड m क्यूब, 4 के ऊपर भी क्यूब m के ऊपर भी क्यूब तो कॉमन क्यूब, माइनस 343n क्यूब को 7n क्यूब, 343 है 7 का क्यूब एंड n के ऊपर भी क्यूब इसलिए होल क्यूब। ओके नाउ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, अब इस फॉर्म में लिख देते हैं a माइनस बी, तो कंपेयर करो a के प्लेस पर देखो क्या है 4m माइनस b के प्लेस पर क्या 7m, a माइनस बी था तो होगा 4m माइनस 7m, a स्क्वायर तो क्या होगा a के प्लेस पर 4m तो 4m होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पर 7n है तो 7m होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी तो 4m इंटू 7n। हमेशा याद रखना ऐसे ब्रैकेट लिखते टाइम ना एक गलती कर देते स्टूडेंट, ऐसा लिखते थे गलत हो जाता है, ठीक है इसलिए होल स्क्वायर लगाना क्योंकि 4 भी है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। नाउ 4m होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7n होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 एंड m इनटू n m n। ओके ये भी हो गया फैक्टराइज़।